खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने आधुनिक मशीनों उपकरणों को प्रदान करके तकनीकी बैकअप के समर्थन के साथ परिप्रेक्ष्य ग्राहकों की बदली मांग के अनुरूप मिट्टी के बर्तनों के उद्योग को बढ़ावा देने की पहल की। इन उपकरणों पर कई कुम्हार परिवारों के समूह को कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने में नए डिजाइन और आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति बाजारों में नए और बेहतर टेराकोटा उत्पादों को लाने में सक्षम होगी। अब तक संचालित पारंपरिक तरीकों के माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाना काफी मेहनत का काम था और मुनाफा भी कम होता था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने लोहाता, कोरोता, हरिपलपुर, सोजोई, बहती और केशरपुर, राखोना, खद्रिया, बर, शिवबेरी, लालपुर, शाकलपुर, बन्नोली, बेनपुर, रघुपुर जैसे वाराणसी के गांवों से 260 कुमार परिवारों का चयन किया है। इन परिवारों को एक विद्युतीय चाक, मिट्टी पीसने की मशीनों का सेट, ब्लंजरों का सेट और गैस की एक भट्टी यानी ऐसी मशीनें 10 कुम्हारों के समुदाय के समूह में दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाटर व्हील नए डिजाइन बनाने में सक्षम है और इसका RPM 0 से 180 तक परिवर्तनीय है। ये ड्रजरी को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। कुम्हार लगातार दिन में 12 से 16 घंटे तक इस पर काम कर सकते हैं। ब्लंजर, एक ब्लंजर 8 घंटे में 400 से 500 किलो कच्ची मिट्टी की प्रक्रिया कर सकता है। ये मिट्टी के घोल बनाने के लिए उपयोगी है। पगमिल अर्थात मिट्टी पीसने की मशीन, मिट्टी को पीसना और समरूप मिट्टी मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पैरों से मिट्टी गूंदने के पारंपरिक तरीके से हमें बचाता है। पगमिल प्रति घंटे 500 से 800 केजी मिट्टी तैयार करता है। गैस भट्टी 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान के साथ 50 से 60 किलो बर्तन प्रतिदिन पकाने के लिए उपयोगी है। ये हर मौसम के लिए उपयुक्त है और न्यूनतम प्रदूषण के साथ काम करती है। ये समग्र इकाई वाराणसी जिले में 338 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 50 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। इसके अलावा इन कुम्हारों की आय मौजूदा ₹100 से बढ़कर मिनिमम ₹300 प्रतिदिन हो जाएगी। मधुमक्खी बक्से का वितरण, KVIC ने अपने हनी मिशन के तहत वाराणसी जिले के 50 किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी कॉलोनीज के साथ 10 मधुमक्खी बॉक्स प्रदान करने के लिए चुना है। 10 मधुमक्खी बक्से से प्रत्येक किसान कम से कम प्रतिवर्ष ₹50,000 कमाएगा। इसके अलावा पार परागण के माध्यम से किसान की फसल की पैदावार भी 25 से 30% तक बढ़ जाएगी। लूम का वितरण, KVIC ने श्री गांधी क्षेत्रीय आश्रम सेवापुरी वाराणसी को 25 लूम दिए हैं। ये लूम 25 स्थानीय बुनकरों को वितरित किए जाएंगे। इससे पहले KVIC द्वारा सेवापुरी में 250 चरखे दिए गए थे, जिससे 250 क्षेत्रीय महिलाओं को रोजगार मिला।